Good morning, student. Today I am going to teach you EVS chapter number 10, Land and Rivers. भूमि और नदियाँ. आज हम हमारे भारत की भूमि और उनकी नदियों के बारे में पढ़ेंगे. This is our India's map. We know that India has 29 states and 7 union territories. Together these form the landmass of India as a country. आप सभी जानते हैं हमारे देश में 29 states है यानी प्रदेश और 7 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र केंद्र शासित राज्य. नॉर्दर्न इंडिया. इन द नॉर्थ आवर कंट्री इज ग्रेडुएट बाय द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज. इट हैज स्नो कवर्ड पीक्स बिग एंड लार्ज ग्लेशियर्स. हमारे भारत के नॉर्दर्न एरिया हिमालय की पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और छोटी बड़ी बहुत सारे पीक्स हैं और ये सब बिग एंड लार्ज ग्लेशियर्स होते हैं. ग्लेशियर्स मतलब होता है बर्फ की नदियां और पहाड़. हिमालयस हैव 3 माउंटेन रेंजेस रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. हिमालय के 3 माउंटेन रेंजेस हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं. मैनी रिवर्स अराइज फ्रॉम द हिमालयस ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो. बर्फ के पिघलने से हिमालय से बहुत सारी नदियां बहती हैं. दीज फ्लो डाउन थ्रू द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड फाइनली जॉइन द सीज दैट सराउंड इंडिया. ये सभी नदियां नीचे की ओर नॉर्थ इंडिया में बहती हैं और ये सभी जाकर फिर समुद्र में मिल जाती हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न प्लेन भारत के धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है यानी नॉर्थ इंडिया को धान का कटोरा भी कहा जाता है. धान का कटोरा मतलब जहां बहुत सा अनाज पैदा होता हो. दे हैव वेरी रिच सॉइल विच इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. नॉर्थ इंडिया की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है तभी इस मिट्टी में हम अच्छे से खेती कर पाते हैं. इस मिट्टी में गेहूं, चावल और मीज यानी मक्के की खेती होती है. नॉर्थ इंडिया में सतलज, गंगा, यमुना एंड इन वेस्ट इन द ब्रह्मपुत्र यानी नॉर्थ इंडिया से मुख्यतः इन नदियों का प्रवाह यानी फ्लो है और ये नदियाँ नॉर्थ इंडिया के खेती करने में बहुत सहायक होती हैं. दीज आर अमंग द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड. ये दुनिया के सबसे बड़े प्लेन्स मतलब समतल जगह यानी मैदान दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से जाने जाते हैं. नेक्स्ट इज मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की मुख्य नदियां. इंडिया इज द लैंड ऑफ रिवर. हमारा भारत नदियों के लिए माना जाता है मतलब हमारे भारत में
बहुत सी नदियां हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ बिग एंड स्मॉल रिवर इन इंडिया। हमारे भारत में छोटी बड़ी कई नदियां हैं। लाइक गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड मैनी मोर्स। दे ऑल आर द मेजर रिवर ऑफ इंडिया। ये सभी भारत की प्रमुख नदियां हैं। मोस्ट ऑफ दिस मीट आइदर एट द बे ऑफ बंगाल और एट द अरेबियन सी आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये सभी नदियां कई राज्यों से होती हुई बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में जाकर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। ऑन देयर वे दीज रिवर मेक लैंड फर्टाइल एंड गिव अस प्लेंटी फ्रेश वाटर फॉर यूज। ये सभी नदियां हमें पीने के लिए शुद्ध पानी और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, मतलब मिट्टी को ऐसा कर देती हैं जिससे अच्छी खेती हो। ये हमारा भारत है और हमारे भारत की प्रमुख नदियां, और ये सब नदियां जाकर बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। सी रियर गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। रिवर्स इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी मेक इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर्स। जब हम नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाते हैं तो उस बांध बनाने से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी रिवर्स से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बांध के पानी की ऊर्जा से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट रिवर्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। यानी हम ये कह सकते हैं कि नदियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये नदियाँ हमारे जीवन में नहीं होंगी तो हमें पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 10, लैंड एंड रिवर्स। टिल देन, बाय बाय।